बात करता हूं, यही राजस्थान के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं, इसी क्षेत्र में जो छोटे छोटे घरों में रहते हैं, तो संकुचित दिमाग, और इन्हीं के गांव राजस्थान में, गुजरात में इतने बड़े बड़े घर वाले, एक एक घर जो है ना एक एक बीघे में, तो वहीं जब ये रहते हैं तो खुले दिल दिमाग वाले। फिर कोई लोग कहते हैं कि जी 20,000 में खरीदा था, 25,000 में खरीदा था, कई बार गलती हो जाती है, कचरा खरीद लेते, तो ये थोड़ी है कि कचरा खरीद के घर में रखे, गलती हो गई, 20-25 हजार गया तो गया, आगे की जिंदगी के लिए तो उसको ध्यान रखिए। तो या तो इसको बेच दीजिए, नहीं तो दूसरा उपाय बताता हूं कि इस डाइनिंग टेबल के पैर काट दीजिए, पैर काट दीजिए, तो साध्वी जी जैसे बैठी है ऐसे ही ये पटरा हो जाएगा डाइनिंग टेबल। आप जमीन पर बैठ जाइए, थाली उस पर रख लीजिए, खाना खा लीजिए, अगर उसका सदुपयोग करना है तो ये तरीका है। नहीं तो मेरी तो आपको विनती है, प्रार्थना है कि जिनके घर में डाइनिंग टेबल नहीं आया कभी मत लाइए, अगर नहीं लाया है आप बहुत भाग्यशाली है, आगे भी मत लाइए। एक तो जगह मत घेरिए उसको, और फालतू में कुर्सी पर बैठ के खाना खाए और अपना पेट खराब करे, शरीर खराब करे, जमीन पर बैठ के खाना खाना सबसे अच्छा है। भारत में हजारों साल से यही व्यवस्था रही, और मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि जब तक भारतवासी जमीन पर बैठकर खाते रहे, किसी का पेट कभी भी बाहर नहीं आया। हमारे दादा दादी को देख ले, दादा दादी को, जैसे ही हमने जमीन छोड़ी और मेज कुर्सी पे गए, पेट बाहर। खाने के बारे में और एक नियम है ये कि जब भी आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते समय आपका चित्त, आपका मन दोनों शांत होना चाहिए। चित्त की शांति, मन की शांति बहुत जरूरी है। मन में कोई धड़पड़ चल रही है, चित्त में कोई धड़पड़ चल रही है, तो शास्त्र कहता है अष्टांग योजन में कहा गया, खाना नहीं खाना ही अच्छा, चित्त शांत हो, मन शांत हो तो खाना चाहिए। क्या होता है, चित्त और मन की शांति अगर नहीं है तो पाचक रस जो खाने को पचाने के लिए चाहिए वो शरीर में नहीं, और वो पाचक रस नहीं है तो फिर वही समस्या है, जहर बनेगा खाने में। चित्त और मन शांत होना चाहिए, और चित्त और मन की शांति के लिए आप बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। जैसे आप एकाग्र होकर बैठ जाइए, 1-2 मिनट कोई मंत्र का जाप कर लीजिए, ईश्वर की आराधना कर लीजिए, भगवान का स्मरण कर लीजिए, जिसके जिसके आशीर्वाद से ये भोजन आपको उपलब्ध हुआ है, जो परमपिता परमात्मा है, उसका 2 मिनट ध्यान कर ले, चित्त और मन अपने आप शांत हो। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हमारे साधु और साध्वी भगवान लोगों ने ये जो नियम बना दिए धर्म के, शायद वो स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर और विज्ञान को समझकर ही बनाए हैं। बात ऐसी है कि शब्द दूसरे दे दिए, हमको एक आ गया कि भाई खाना खाने से पहले नमो का मंत्र जाप कर लो या कोई मंत्र का जाप कर लो, मतलब क्या है, चित्त को शांत कर लो। जब आप मंत्र जाप करेंगे तो सारी ऊर्जा एक जगह एकत्रित हो गई मंत्र पर, चित्त में शांति अपने आप आ गई, मन में शांति अपने आप आ गई। इसलिए तो आप ईश्वर को याद करें, भगवान की आराधना करें, मंत्र की पूजा करें, जो करना है आराम से 2 मिनट खाली बैठ भी जाए उसके बाद खाना शुरू करें, तभी वो खाना शरीर को उपयोग आएगा। मन में अगर कोई तनाव है, धड़पड़ है, टेंशन है, कुछ भी खाएंगे उपयोग नहीं आएगा। तो ये एक खाने का नियम, और एक छोटा सा नियम बता दूं खाने का, दोपहर को खाना खाने के बाद हमेशा आराम करो, दोपहर को खाना खाने के बाद हमेशा आराम करें, दोपहर को खाना खाते ही कभी भी काम ना करें। क्यों नहीं करें, दोपहर को जब आप खाना खाते हैं सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है, शरीर पर उसका प्रभाव होता है, और उस समय ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। आप जानते हैं जब ज्यादा गर्मी में आप हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, सूर्य के ताप से रक्त का दबाव बढ़ता है, रक्त का दबाव बढ़ेगा तो फिर वही समस्या आएगी खाने के पाचन में। रक्त का दबाव बढ़ेगा इसका माने सारा रक्त आपके मस्तिष्क में इकट्ठा है, रक्त का दबाव बढ़ने का मतलब रक्त चाहिए हमें पेट में खाने को पचाने के, और वो है मस्तिष्क में। तो कहा यह गया
कि आप अगर रक्त के दबाव को बढ़े हुए समय में खाना खा लिया और काम पे लग गए, दोपहर को खाना खाते ही काम पे लग गए, तो रक्त का दबाव और बढ़ेगा, काम करेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आप कुछ भी करें बीपी बढ़ता है, फिर करना छोड़ दें बीपी घटता है, ये हर समय चलता रहता है, घटना बढ़ना घटना बढ़ना घटना बढ़ना। समस्या कब आती है? जब ये घटना बढ़ना बंद हो जाए। मैंने कोई काम, हाँ इसको समझ लीजिए, बहुत गहरी बात सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हर समय हर स्थिति में ब्लड प्रेशर बढ़ना और घटना चालू रहता है। मैंने ये गिलास यहां से उठाया, मेरा बीपी बढ़ गया, और यहां छोड़ दिया, अपने आप बढ़ गया। एक कदम भी आपने चला, आपका बीपी बढ़ गया, शांति से खड़े हो गए, बीपी घट गया। आपने कुछ भी काम किया, फावड़ा चलाया, कुदाली चलाई, बीपी बढ़ गया, जैसे ही विश्रांति ली बीपी घट गया। तो ये बीपी घटना बढ़ना हर समय चालू रहता है। महत्व की बात यह है कि बीपी जब बढ़ जाए तो उसके बाद कम भी होना चाहिए अपने आप, तब तो ठीक है, लेकिन अगर बढ़ ही गया, कम नहीं हो रहा है, तब डॉक्टर आपको कहेगा आपका ब्लड प्रेशर हाई है, तब वो आपको गोली देगा कि इससे बीपी घटे। अपने आप ही घटता है बीपी और अपने आप ही बढ़ता है, जब तक बढ़े बढ़ने दो, फिर घटना चाहिए, नहीं घट रहा है तब चिंता करिए, और जब तक अपने आप बीपी घट रहा है बिंदास कुछ भी करिए। तो जब दोपहर का खाना खाया, ब्लड प्रेशर बढ़ा, सूर्य के दबाव में और ज्यादा बढ़ा, कुछ भी काम करेंगे और बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो मैं आपको एक ही जानकारी दे रहा हूँ, सारा रक्त दिमाग में इकट्ठा होगा, मस्तिष्क में इकट्ठा होगा, रक्त की जरूरत उस समय पेट को है खाने को पचाने के लिए, और रक्त चला गया मस्तिष्क में तो खाना ठीक से नहीं पचेगा। इसलिए नियम बनाया गया, अष्टांग हृदय में उसको लाया गया कि दोपहर का खाना खाते ही विश्राम करें ताकि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो। अब आप ये पूछेंगे जी कितना करें, तो कम से कम 48 मिनट जरूर, और ज्यादा से ज्यादा अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो चुकी है तो 1-1.5 घंटे तक भी आप कर सकते हैं। 48 मिनट तो सबको करना ही चाहिए, कम उम्र है तो भी ज्यादा उम्र। अब आप सोचिए हमारे बुजुर्गों में कितनी कितनी इंटेलिजेंसी रही है, सारे पुराने लोग फिर गलत शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूँ, कभी कोई चीज पुरानी नहीं होती, लोग भी पुराने नहीं होते, ऐसा कहना चाहिए भारतीयता को मानने वाले सब लोग दोपहर को खाना खाके आराम ही करते हैं, चाहे करोड़ों रुपए का उनका धंधा दरवाजे पर खड़ा है, दोपहर को आराम करेंगे, वो बहुत जरूरी है। दोपहर को खाना खाते ही आराम करना जरूरी है। आप सब माताएं बहनें इस काम को आज से शुरू करें। आप बोलेंगे घर का काम बड़ा है, मैं कहता हूं घर का कोई भी काम इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा आपका शरीर का स्वास्थ्य। 1 घंटे बाद हो जाएगा घर का काम, वो तो चलता ही रहता है। खाना खाते ही कोई काम ना करे, ना बर्तन साफ करे, ना झाड़ू लगाए, ना कुछ करे, ना कुछ करे, आराम करे। और आराम करने के लिए सबसे अच्छी अवस्था बताई गई है कि आपने खाना खा लिया तो या तो वज्रासन में बैठे, वज्रासन आप समझते हैं पैर मोड़ के पीछे, और नहीं तो वामकुक्षी करें। वामकुक्षी माने लेफ्ट साइड, बाईं तरफ आप लेट जाए ऐसे, वो सबसे अच्छा आराम करने का तरीका। 48 मिनट उस आसन में आप रहे, वामकुक्षी में या वज्रासन में, फिर उसमें नींद आ गई तो जरूर उस नींद को लें, क्योंकि वो सबसे कीमती, झपकी लग जाए तो आपसे सुखी आदमी नहीं दुनिया, क्योंकि उस झपकी को लाने के लिए लोग लाखों रुपए की गोलियां खाते हैं फिर भी नहीं आती। आपको आ रही है बहुत सुखी है, आप जान लीजिए। और मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया की करोड़ों रुपए की दौलत दोपहर के भोजन की 40 मिनट की झपकी से बड़ी नहीं, करोड़ों रुपए की दौलत, क्योंकि करोड़ों रुपए कमा रहे हैं ना अपने लिए, और ये शरीर तो फोकट में ही सुख दे रहा है, झपकी ले लो। अब आपको महसूस भी होगा, आप इसको ध्यान से देखिएगा, जब भी दोपहर को खाना खाएंगे थोड़ा आलस्य आएगा, वो शरीर की जरूरत है इसलिए आलस्य आता। अब आप जबरदस्ती अपने आप को अटेंशन में रखकर वो आलस्य को ध्यान में नहीं करेंगे, थोड़े दिन में समस्या शुरू हो जाएगी। सबसे पहले बीपी बढ़ना शुरू होगा और वो बीपी बढ़ते हुए हार्ट अटैक तक जाएगा, जब हार्ट अटैक आएगा तो डॉक्टर कहेगा आराम करो,
फिर आप करोगे, लेकिन लाखों रुपए देने के बाद, मैं पहले ही बता रहा हूं, कर लो पॉकेट में, वो डॉक्टर आराम करवा देगा, एक तो लाखों रुपए ले लेगा, हॉस्पिटल में और डाल देगा आपको, तो आराम नहीं करना है तो डॉक्टर के पास क्यों करें हम हमारे घर। तो खाते ही आराम करें। और आज का आखिरी सूत्र, रात्रि को जब भोजन करें, रात्रि को, तो कभी भी भोजन करने के तुरंत बाद आराम ना करें, ये उल्टा। रात्रि को, रात्रि से तो मतलब है शाम को, रात्रि भोजन तो है ही नहीं कहीं भी आयुर्वेद में, किसी शास्त्र में रात्रि भोजन का जिक्र नहीं है, सब जगह संध्या भोजन की बात है। संध्या भोजन माने सूर्यास्त से 48-50 मिनट पहले का भोजन। तो जब भी शाम का खाना खाएं तुरंत आराम करें, क्योंकि शाम को क्या होता, सूर्य तो है नहीं, चंद्रमा का ताप शुरू है, अब चंद्रमा शीतल है तो ब्लड प्रेशर कम है शाम को, दोपहर को वही ब्लड प्रेशर ज्यादा है खाना खाते समय, शाम को वही कम है, अब कम ब्लड प्रेशर हो तो आराम न करें, नहीं तो खतरा है हार्ट अटैक आने का। जब बीपी बढ़ता है तो आराम करना चाहिए, जब बीपी घटता है तो काम करना चाहिए। तो शाम को भोजन के बाद कुछ काम करें, कितनी देर, 2 घंटे, उसके बाद ही आराम करें। दोपहर के भोजन के बाद 48 मिनट आराम करें कम से कम, अधिक से अधिक 1.5 घंटा होता है। शाम को भोजन के बाद 2 घंटे आराम करें, नहीं सॉरी 2 घंटे तक काम करें, उसके बाद आराम करें। अब आप बोलेंगे कुछ काम नहीं है, तो इतना ही करें कि पैदल चले 1000 कदम, 500 कदम, 700 कदम शाम को खाने के बाद घूम लें, ये बहुत जरूरी है, माताओं के लिए बहुत जरूरी है, बुजुर्गों के लिए उससे भी ज्यादा। मेरा तो आपको एक छोटा सा निवेदन है, वो ये कि सवेरे जो आप मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं वो शाम को कर लीजिए। शाम के भोजन के बाद की जो वॉक है वो सबसे ज्यादा शरीर के लिए अनुकूल है शाम को। तो आप अगर सुबह घूमने जा रहे हैं जाइए, मैं मना नहीं करता, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है शाम को जरूर जाएं, खाना खाने के बाद भले एक चक्कर लगा के चले, कुछ अध्ययन करें, अभ्यास करें, स्वाध्याय करें, 2 घंटे का समय बिताना है, उसके बाद ही बिस्तर पर जाएं सोने। तो ये खाने के कुछ नियम थे, एक दो नियम और बता के खत्म ही कर दूं, फिर कल नया चलता है। और एक आखिरी नियम है खाने का, खाने के बाद जब आप आराम करेंगे तो आराम करने के लिए नियम है, वैसे तो वो कल आ जाए तो भी, लेकिन आज है जुड़ा हुआ होगी, खाना खाते ही दोपहर को आराम करें और रात को आराम करें 2 घंटे के बाद, सिर्फ वो हमेशा रात्रि भोजन के बाद, भोजन करने के तुरंत बाद पैदल चल सकते हैं, और जो पैदल चलने की कोई मजबूरी हो तो फिर वहां भी वज्रासन में बैठे। अब उसके आगे का नियम है कि आप जब भी भोजन के बाद विश्रांति करें या रात को विश्रांति करें, विश्रांति करते समय आपका सिर सूर्य की दिशा में रहे तो अच्छा, सबसे अच्छा, पूर्व दिशा। लेकिन ये एक चीज में वर्जित है, पूर्व दिशा, बाकी सब में है। पत्नी के साथ अगर आप संभोग करते हैं तो दक्षिण की दिशा में होना चाहिए, तब पूर्व की दिशा नहीं चलती। अर्थात जो ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी पालन करते हैं, उनको हमेशा पूर्व दिशा में सोना चाहिए। पत्नी के साथ नहीं सो रहे हैं तो भी हमेशा पूर्व दिशा में सोना चाहिए, पूर्व दिशा में ही सिर करके सोना सबसे अच्छा है। कारण क्या है उसका? कारण उसका यह है कि पृथ्वी जो है ना बहुत बड़ा चुंबक है, मैग्नेट है, हर चीज को खींचता अपनी तरफ। और चुंबक के 2 सिर होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी, नॉर्थ एंड साउथ। हमारे शरीर में उत्तर ये है और दक्षिण पांव है। अगर पृथ्वी के उत्तर में आप सिर करके सोते हैं, कल्पना करो तो क्या होगा, उत्तर उत्तर दोनों एक साथ आएंगे तो रिपल्शन होता है। जब 2 समान ध्रुव एक साथ आते हैं ना तो प्रतिकर्षण होता है। तो जब आप सोए हैं तो पृथ्वी आपको धकेलेगी, तो जब धकेलेगी तो बहुत टेंशन आएगा आपको सिर पे, और शरीर आपका छोटा होने की कोशिश करेगा, और शरीर छोटा हुआ तो कभी रिलैक्स नहीं हो सकता, आराम नहीं मिलेगा, फैलना चाहिए तब आराम मिलता है, इसलिए उत्तर की दिशा वर्जित है।
लेकिन दक्षिण की दिशा, मैंने आपसे कहा पत्नी के साथ अगर आप संभोगरत हैं तो दक्षिण की दिशा, तब उस समय क्या है, आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा, और उस समय अट्रैक्शन ही चाहिए, स्त्री पुरुष मिलन के समय आकर्षण ही चाहिए, क्योंकि वहां प्रतिकर्षण हुआ तो आप बेकार हो जाएंगे उस काम में, वो भी आपको अपना धर्म निभाने जैसा है। तो इसलिए दक्षिण की दिशा में उस समय सिर करके सोना जब आप पत्नी के साथ संभोगरत हो, और अगर नहीं है तो दोनों को पूर्व दिशा में सिर करके सोना ही अच्छा है। वो आप अपनी अपनी कैपेसिटी, सामान्य रूप से जो समय है, माने सामान्य रूप से जो माना जाता है एवरेज, वो 3 से 4 मिनट है, लेकिन कई लोग हैं जिनकी कैपेसिटी अच्छी है तो वो 5-7 मिनट भी हो सकता है, लेकिन 3-4 मिनट सामान्य। हाँ, उसके लिए तो बहुत कड़क नियम है, वो फिर दूसरा शास्त्र में चले जाएंगे हम, अगर कभी समय आएगा तो वो भी मैं बता दूंगा। उसमें क्या है कि वो फिर जो हमारे देश का सबसे बड़ा शास्त्र है जिसको कामसूत्र कहते हैं, संस्कृत में लिखा वात्स्यायन का, वो उसके नियम उसमें चले जाएंगे सब। अभी मैंने तात्कालिक रूप से उतना ही बताया, उसका तो इतना बड़ा शास्त्र है कि 10 दिन भी व्याख्यान दो तो कम पड़ेगा। ये अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। सोने के लिए मैंने आपसे कहा कि पूर्व दिशा में ही सोएं तो सबसे अच्छा। अब सोते समय एक नियम बहुत महत्व का है कि जब आप सो रहे हैं तो कोशिश करिए पेट से सांस आपकी हो, छाती से नहीं। जब आप काम कर रहे हैं तो छाती से सांस होना अच्छा है, कोई भी काम करें, मेहनत का हो, मजदूरी का हो, एक्सरसाइज हो, जो भी आप काम करते हैं, चलना हो, उठना हो, बैठना हो, तो छाती से सांस होनी चाहिए, और जब सो रहे हैं तो हमेशा सांस पेट से आनी चाहिए। मतलब सो गए आप तो सांस भरेंगे तो पेट फूलना चाहिए, सांस निकालेंगे तो पेट अंदर जाना चाहिए, वो मोमेंट में ही सोना सबसे अच्छा है। पेट से सांस लेके जो सो सकते हैं जिंदगी पर्यंत निरोगी रह सकते हैं, इतना महत्वपूर्ण नियम है ये, ऐसा आभास होता है। हाँ, अगर ऐसा होता है तो ये आपको मानसिक अवस्था है, इसके लिए औषधि है, ये एक तरह का छोटा रोग है, कोई गंभीर नहीं है, 1 या 2 ड्रॉप औषधि लेंगे तो ठीक हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगा, इसके लिए औषधि की जरूरत है। ये जो मैंने कहा आपसे कि आप जब भी सोएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है कि आपकी सांस पेट से आनी चाहिए, कोशिश करिए, थोड़े दिन में अभ्यास हो जाए, और काम करते समय सांस हमेशा छाती से आनी चाहिए। सोने के समय आप ध्यान रखिए, फिर सो गए तो वो आने ही रह लिए, वैसे ही रहने वाले। आप जब, हाँ मैं बताता हूँ, कराटे के लिए बताता हूँ, आप जब सोते हैं तो सोते समय आप जो गतिविधि करेंगे वो फिक्स हो जाएगा आपके कंप्यूटर में। हमारे बॉडी में एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर है, जैसा आप चाहो वैसा फिक्स हो जाता है। आप रात को सोते समय मन में तय कर लो कि मुझे 5 बजे उठना है, तो बिना अलार्म आप 5 बजे उठ जाएंगे। मैं पिछले 15 साल से ये करता हूँ, क्योंकि मुझे ट्रेन में बहुत प्रवास करना पड़ता है, तो कभी ट्रेन मेरी 3 बजे सवेरे किसी स्टेशन पर पहुंचती है, कभी 2:30 बजे पहुंचती है, कभी 4 बजे पहुंचती है, और ये समय नींद का, सबसे गहरी नींद का यही समय होता है। एक आज तक भी ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं सोते हुए चला गया और स्टेशन मेरा निकल गया। मैं सोते समय, और मोबाइल में मैं कभी अलार्म फिक्स नहीं करता, क्योंकि जब दिमाग का अलार्म चल रहा है तो मोबाइल का क्यों करना इस्तेमाल। मैं सोच के सोता हूं कि मुझे 2:30 बजे सोना है, उठना है, मेरा स्टेशन 3 बजे आने वाला है, तो मैं 2:30 बजे का सोच के बराबर 2:30 पर 1-2 मिनट आगे पीछे आंख खुलती है। हर एक को हो सकता है, आप सिर्फ सोच के सोइए, संकल्प करके सोइए, मुझे सुबह इतने बजे उठना है। तो अपने शरीर में एक जैविक कंप्यूटर है, उसमें प्रोग्राम फीड कर दीजिए, वो अपने आप उठा देता है। कई बार में होता है कि किसी स्टेशन से मैं चढ़ा, 12 बजे ट्रेन थी, 3:30 बजे दूसरा स्टेशन आने वाला है, तो 3.5 घंटे मिलेंगे सोने के लिए, तो मैं तय कर लूंगा कि 3 बजे उठना है तो बराबर उठूंगा। बाद में उतर के स्टेशन पे किसी के घर जाकर फिर नींद आ जाएगी, लेकिन उस समय तो बराबर उठ जाऊं। ये सभी मनुष्य को है। हाँ बता रहा हूं, पहले ये समझ लिया कि सोते समय हमेशा आपको पेट से सांस लेनी है, छाती से नहीं। काम करते समय कभी पेट से सांस नहीं लेनी है, छाती से। पेट उठना और गिरना चाहिए, पेट से सांस।
अब आगे सोना कैसे, दोपहर को तो मैंने बता दिया वाम कुक्षी में सोना है, रात को जब आप सोते हैं तो सीधे सोना है इस पद्धति से, पीठ पीछे पेट ऊपर रात को। अगर जिनको नींद नहीं आती, जिनको झोप की तकलीफ है, तो सबसे पहले राइट में लेट जाइए रात को, दिन में नहीं, राइट में माने उजवा। तो जैसे राइट में लेटेंगे तो लेफ्ट नॉस्ट्रल शुरू हो जाएगा, चंद्र नाड़ी इससे जुड़ी हुई, चंद्र नाड़ी सक्रिय है तो नींद बहुत अच्छी आती है। सूर्य नाड़ी अगर है तो नींद नहीं आएगी, सूर्य नाड़ी जो है राइट नॉस्ट्रल है, चंद्र नाड़ी लेफ्ट नॉस्ट्रल। तो जिनको झोंक आने की समस्या है वो रात को पहले ये उजवा बाजू में, दावा नहीं उजवा, राइट साइड में लेट है तो चंद्र नाड़ी सक्रिय तो नींद अच्छी आएगी। और फिर सीधे हो जाए, पीठ के बल सोना सबसे अच्छा होता है। और सोते समय हाथ जो है ना दोनों ऐसे भी ना हो और ऐसे भी ना हो, बीच में रहे, ऐसे यहां रखे रहे, छाती और पेट का जो ज्वाइंट पोर्शन है यहां हाथ रहे तो अच्छा है, ये सबसे अच्छी स्थिति है। एक, आप सोने के बाद तो आपका शरीर खुद ही तय करेगा, फिर आप तय मत करिए, शरीर पे छोड़ दीजिए किधर बाजू में करवट लेना, वो अपने आप कर लेगा। आप सोते समय ध्यान रखिए और उठते समय ध्यान रखिए, उठते समय कभी भी लेफ्ट साइड से नहीं उठना है, राइट से उठना है हमेशा। राइट से कैसे उठना कि आप पहले सो गए हैं, उठ गए हैं, आंख खुल गई है, चेतना आप में आ गई है, तो आप राइट करवट में लेटिए, सीधे हैं तो राइट साइड में, फिर उठिए। एक स्थिति और भी बहुत अच्छी है सोने की, बच्चे कैसे सोते हैं आपने देखा है, ऐसे सोते हैं और पांव उनका एक ऊपर होता है एक सीधे रहता है, इसको बाल आसन कहते हैं। ये सोने का सबसे आइडियल पोस्चर है। बच्चे कैसे सोते हैं, बच्चे को जब आप देखोगे सोते हुए तो एक साइड में लेटेगा लेफ्ट या राइट, लेकिन एक पांव उसका ऊपर रहेगा दूसरा लंबा रहेगा, ये सबसे आइडियल पोजीशन। इस अगर लेफ्ट में सोया तो ये वाला पांव ऊपर रहेगा राइट, और लेफ्ट लंबा रहेगा, और राइट में अगर वो सोया है तो लेफ्ट ऊपर रहेगा और ये लंबा रहेगा। तो बच्चों से सोना सीख लीजिए, वो सबसे अच्छे तरीके से सो, ज्यादातर बच्चे आप देखेंगे साइड से ही सोते करबट से, सीधे सोना बहुत कम बच्चे, और वो बहुत स्वस्थ है, उनकी नींद भी अच्छी है। आपने कई बार देखा, मैंने कई सारे कैलेंडर्स और पोस्टर में देखा है शंकर भगवान सोते हुए, वो आइडियल पोस्चर है, वो आइडियल पोस्चर। शंकर भगवान का बाल स्वरूप या कृष्ण भगवान का बाल स्वरूप वो इसी पोस्चर में सोते। विष्णु भगवान को देखा नागशैया पर, वो भी बहुत अच्छा तरीका है सोने का, लेकिन वो बड़े लोगों के लिए है, बड़े से मतलब 60 वर्ष 70 वर्ष के ऊपर जिनकी हो गई है, तो वो सीधे पांव करके, पांव को पांव ऐसे रख के फिर सो सकते हैं। वो सिर्फ स्त्रियों के लिए है, और वो भी 3 दिन जब मासिक पारी चलती है उनके लिए है वो। पेट के बल सोना स्त्रियों को इन दिनों में जब उनको मासिक पारी का समय हो, वो 4 दिन हो, 3 दिन हो, 5 दिन हो, उसका फायदा क्या है कि जब भी मासिक पारी चलती है तो ये जो गर्भाशय है ना वो एक्सपेंड होता है, बड़ा होने की कोशिश करता है, तो पेट के बल सोने से उस पर दबाव रहता है, तो वो बराबर अपनी स्थिति में संकुचित ही रहना अच्छा है उसका, क्योंकि उसका एक्सपेंशन होना ठीक नहीं होता उन दिनों में। और उससे भी अच्छी तो एक अवस्था है, हम लोग उसको मकर आसन कहते हैं, मकर आसन, मकर देखा मगर, ये स्थिति महिलाओं के लिए सबसे अच्छी होती है मासिक पारी के समय सोने के लिए। दोनों पैर पीछे फैला देना और हाथ को ऐसे रखना और पेट के बल, पांव ऐसे फैला के रखना, वो सबसे अच्छा है। सिर्फ महिलाओं के लिए 5 दिन पेट के बल सोने के लिए परमिशन है, बाकी किसी के लिए, और उनका है मासिक पाड़ी नहीं तो उनको भी नहीं सोने के लिए है फिर। पुरुष होता है नहीं, अच्छा बहुत तकलीफ, प्रोस्टेट हो जाएगा, हर्निया हो जाएगा, दोनों ही होने वाले हैं, एपेंडिसाइटिस भी हो जाएगा, है ही नहीं वो उसके लिए। हमारे कंपनी के एक लड़का है, तो हमें
पेट के ऊपर सोता था, तो मैंने बताया उन्हें सीधा सोता। हाँ, क्योंकि ये तीन रोग जरूर होते हैं। पुरुष अगर सोएगा ना तो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम आएगा, हर्निया आएगा, अपेंडिसाइटिस। तो अभी जितने सूत्र यहाँ हैं आज यहीं पर मैं विराम ले रहा हूँ। तो भोजन के लिए कुछ नियम कल बात होते हैं, अब आज एक नया नियम भोजन के बारे में। भोजन के बारे में एक नियम है वो ये कि भोजन को जब हम पकाते हैं तो भोजन को बनाते समय या पकाते समय अष्टांग हृदय का सूत्र है कि उसको सूर्य का प्रकाश या पवन का स्पर्श होना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। भोजन को पकाते समय, बनाते समय या तो सूर्य का प्रकाश उस पर गिरना चाहिए या उस पर पवन का स्पर्श होना चाहिए। इसको अभी सरल भाषा में समझें, ये कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब ये है कि आपकी रसोई ऐसी होनी चाहिए जो खुली हो, जिसमें सूर्य का प्रकाश आ सके। सूर्य का प्रकाश अगर रसोई में आएगा तो रसोई में हमारा चूल्हा ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां सूर्य का प्रकाश आता है, तो ये आदर्श। अगर ये नहीं हो सकता किसी कारण से, कारण कुछ भी हो सकता है, एक कारण ये हो सकता है कि आप फ्लैट में रहते हैं, दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपके रसोई घर का जो डायरेक्शन है वो सूर्य की दिशा के विपरीत है, कारण बीसियों हो सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन दिया गया, दूसरी बात कही गई वो ये कि कम से कम अगर सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है बनते हुए भोजन पर, पकते हुए भोजन पर, तो पवन का स्पर्श तो होना ही चाहिए। पवन का स्पर्श माने हवा तो आनी ही चाहिए बनते हुए भोजन पर, ये है सूत्र। अब इस सूत्र को आज के हिसाब से जरा व्याख्यायित करें कि हमारे घरों में जो भोजन हम बना रहे हैं क्या उसमें ये नियम लागू हो पाता है। मैंने भारत में बहुत सारे गांव ऐसे देखे हैं वहां तो ये नियम का बराबर पालन होता है। अक्सर मैं गांव में जाता हूँ, तो राजस्थान के हों, गुजरात के हों, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, तो मैंने गांव में देखा है कि किसानों के घरों में, मजदूरों के घरों में जो चूल्हा होता है, रसोई होती है, वो खुली होती है, खुली होती है ज्यादातर घरों में मैंने देखा है। और बारिश के दिनों में वही लोग, किसान लोग या मजदूर लोग, रसोई को घर के थोड़ा अंदर ले जाते हैं, वो बारिश के दो तीन महीने ही अंदर रहता है, बाकी सब दिन खुले में खाना बनाते हैं। और खुले में खाना बना रहे हैं तो सूर्य के प्रकाश के आने की पूरी संभावना है। और अगर मान लीजिए बारिश के दिनों में वो अंदर भी ले गए हैं तो अंदर उनके घरों की डिजाइन ऐसी होती है गाँव में कि हवा पवन तो सतत आता जाता ही है, तो वहां पवन का स्पर्श भी है, सूर्य का प्रकाश भी है। आधुनिक जीवन शैली में हम जो फंसे हुए लोग हैं, चेन्नई शहर में रहते हैं, बेंगलोर में, हैदराबाद जैसे शहरों में रहते हैं, हमारे लिए ये समस्या है। एक तो हमारी रसोई ऐसी है जहां सूर्य प्रकाश आना बड़ा मुश्किल है, दूसरा पवन का स्पर्श हमें अब आजकल अच्छा नहीं लगता क्योंकि हमें नकली पवन चाहिए। नकली पवन माने एसी, हमको एसी चाहिए, पंखा चाहिए, ये सब नकली पवन है। असली पवन तो वही है जो हवा वृक्षों से होकर बहती है। तो हमारे यहाँ ये समस्या है, तो इसको थोड़ा आप समाधान करें, अपने घर की समस्या का समाधान करें। तो समाधान कुछ ऐसा करें कि रसोई घर में कोई ना कोई ऐसी एक खिड़की या छोटा दरवाजा निकालें, या निकला हुआ है तो उसको खोल कर रखें ताकि पवन आ सके, कम से कम पवन स्पर्श तो हो, और सूर्य का प्रकाश गिरे तो बहुत ही अच्छा है। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि हम जो भोजन बनाते हैं अपने घरों में आजकल, वो ज्यादातर भोजन बनता है प्रेशर कुकर में। अब प्रेशर कुकर एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप भोजन अगर बनाएंगे तो ना तो पवन अंदर जाने वाला है और ना सूर्य का प्रकाश उसमें अंदर जाएगा। प्रेशर कुकर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी मशीन है या तकनीक है जिसमें आपने बंद कर दिया एक बार तो बाहर से हवा तो अंदर जाने वाली नहीं है। ये जरूर है कि अंदर से हवा बाहर आ जाए, बाहर से तो अंदर जाएगा, और चूंकि वो चारों तरफ से बंद है
तो पवन का स्पर्श तो उस पर होने वाला बिल्कुल नहीं है। ये है हमारी आज की समस्या। अब इसका समाधान क्या है? अगर अष्टांग हृदय का सूत्र आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, भागवत जी की बात को मानना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है कि प्रेशर कुकर में खाना बनाना बंद कर। तो तुरंत हमारे मन में एक प्रश्न आता है, तुरंत जैसे ही मैं ये बोलता हूं कि प्रेशर कुकर में खाना बनाना बंद करें, तो तुरंत रिएक्शन आता है। प्रश्न तो इससे ज्यादा रिएक्शन आता है कि जी कितना समय लगेगा अगर हम कुकर में खाना नहीं बनाएंगे, तो कितना समय लगेगा? तो खुले बर्तन में खाना बनाएंगे तो कितना समय लगेगा? मैंने करके देखा, प्रेशर कुकर में दाल बनाए तो 8 से 10 मिनट में बन जाती है, कोई भी दाल। मूंग की दाल तो उससे भी जल्दी बन जाती है, अरहर की दाल है, तुअर की दाल है, उड़द की दाल है, चने की दाल है, 8 से 10 मिनट में बनती है। लेकिन उसी दाल को खुले बर्तन में बनाए, भगोने में बनाए या कढ़ाई में बनाए, बर्तन खुला हुआ है, तो उसको बनने में 20 से 25 मिनट लगता है। तो कितना समय का अंतर है? 15 मिनट का अंतर, ज्यादा से ज्यादा 17 मिनट का अंतर। तो अगर हम खुले बर्तन में दाल बना रहे हैं तो 15-17 मिनट ज्यादा लगने वाले हैं, और प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 15-17 मिनट कम लगने वाले हैं। अब मैं एक हिसाब निकालूं सबका कि रोज अगर हमने मान लो दिन में एक बार दाल बनाई और 15 मिनट का समय बचाया रोज का, तो महीने में कितना बचता है, साल में कितना बचता है और अपनी जिंदगी में कितना बचता है, वो सब जोड़ा। और दूसरी तरफ कि अगर हम प्रेशर कुकर में बनी हुई दाल खा रहे हैं और प्रेशर कुकर में बना हुआ चावल खा रहे हैं, तो उससे जो तकलीफें शुरू होती हैं, बीमारियां शुरू होती हैं, गैस्ट्राइटिस की, एसिडिटी की, हाइपर एसिडिटी की वगैरह वगैरह, फिर उन बीमारियों को ठीक करने में कितना समय लगता है, अगर ये दोनों आमने सामने रख दें तो मामला जो है ना बिल्कुल मिल आ जाता है। मैंने जितना समय हमने यहाँ बचाया दाल को जल्दी बनाने में, उससे ज्यादा समय हमारा खर्च हो जाता है उस बनी हुई दाल को खाकर बीमार होकर ठीक होने में। कई बार उससे ज्यादा समय लगता, पैसे भी लग जाते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये प्रेशर कुकर की दाल खाने से या चावल खाने से बीमारी कैसे आ सकती है? बात मैं आपको जो कहना चाहता हूँ वो ये कि सारे प्रेशर कुकर जो दुनिया में बनते हैं वो एक मेटल से बनते हैं, उसका नाम है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बारे में आप पता कर लीजिए। अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी है तो उनके लिए तो बहुत आसान है, केमिस्ट्री की किताब निकालिए, पढ़ डालिए एल्यूमिनियम के बारे में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब है। और अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते तो आपके घर में जो बच्चे हैं जो साइंस पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उनसे कहिए भाई एल्यूमिनियम के बारे में बताओ। तो एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा जो गुण है वो जान लीजिए कि ये जहर है, ये विष है, अमृत नहीं है। इसलिए सारे दुनिया के वैज्ञानिकों ने ये बात बहुत बार कही है लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। एल्यूमिनियम में खाने पीने की कोई वस्तु रखना नहीं, क्योंकि वो जहर है, अच्छा नहीं है। और हम अगर खाने पीने की वस्तुओं को एल्यूमिनियम में ही पका रहे हैं तो वो जहर तो जाने ही वाला है। दुनिया में एक ही जगह है जिसको हम कहते हैं जेल, भारत में तो विशेष रूप से, जहां के कैदियों को एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही खाना दिया जाता है, खाने को और बनाया जाता है दोनों। एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना देंगे खाने को और एल्यूमिनियम के बर्तन में ही खाना बनाया जाता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो जेल में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उनको मैं बार बार कहता हूँ कि भैया ये क्यों दे रहे हो कैदियों को एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना? तो एक दिन मेरे एक सुप्रिंटेंडेंट, जो जेल का सुप्रिंटेंडेंट होता है, मेरा मित्र, उसने कहा कि देखो राजीव भाई, हमारा तो कानून ऐसा है कि हम एल्यूमिनियम के बर्तन में ही खाना दें, हमारा तो नियम ऐसा है। मैं पूछा ये नियम बना कब? तो बोलते हैं अंग्रेजों के जमाने में। अब अंग्रेजों की सरकार ने ये नियम बनाया कि भारत की जेलों में जो कैदी बंद होंगे उनको एल्यूमिनियम के बर्तन में ही खाना देना है, खाने को और बनाने को।
अब भारत की जेलों में अंग्रेजों के जमाने में कैदी कौन होते थे? क्रांतिकारी। हमारे सारे क्रांतिकारी अंग्रेजों की जेल के कैदी, भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला, कांतिया टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, हमारे सारे विनायक दामोदर सावरकर, जितने क्रांतिवीर हैं जिनके नाम आप जानते हैं, ये अंग्रेजों की जेल के कैदी थे। अंग्रेजों को इन क्रांतिकारियों से बड़ी दुश्मनी, क्योंकि ये क्रांतिकारी अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के काम में लगे हुए थे। तो अंग्रेजों की सरकार ने इन क्रांतिकारियों को पकड़ पकड़ के जब जेलों में रखना शुरू किया तो जानबूझकर ऐसा कानून बना दिया, नियम बना दिया कि उनको खाना हमेशा एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही दिया जाए ताकि वो जल्दी बीमार पड़े और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े नहीं, वो मर जाए। एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जो शरीर में थोड़ा भी ज्यादा मात्रा में चला जाए तो 100% मैं आपसे बात कर रहा हूं, 100% बात कर रहा हूं, आपको ट्यूबरकुलोसिस तो कर ही देगा, टीबी तो हो ही जाएगी। और यही एल्यूमिनियम आपको दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब बीमारियों का कारण बनेगा। एल्यूमिनियम टीबी का सबसे बड़ा कारण है और टीबी दुनिया में सबसे ज्यादा होने वाली एक ऐसी बीमारी है जो गरीबों को है। हमारे भारत में आपने सुना होगा, जाना होगा, पढ़ा होगा कि जो गरीब लोग हैं उन्हीं को सबसे ज्यादा टीबी होती है। कारण क्या है? गरीब लोग सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना बनाना और पकाना करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये सस्ता, तो सस्ता होने के चक्कर में वो बेचारे खरीद लाते हैं बर्तन, उनमें बनाते बनाते खाते खाते टीबी के शिकार हो जाते हैं और हर साल मर जाते हैं। हमारे भारत देश की सरकार कहती है कि इस देश में सबसे ज्यादा मौत होती है वो ट्यूबरकुलोसिस बीमारी के कारण, सबसे ज्यादा गरीबों की सबसे ज्यादा। और हमारे देश की सरकार ये भी कहती है कि भारत की जो कुल जनसंख्या है 113 करोड़ की, इस जनसंख्या में सबसे ज्यादा मरीज है तो ट्यूबरकुलोसिस के ही, टीबी के। उसके बाद फिर दूसरे रोगों का नंबर आता है, दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, ये सब बीमारियां एल्यूमिनियम अगर शरीर में बढ़ जाए तो उसके कारण होती है। अब कुकर एल्यूमिनियम का बना हुआ, उस कुकर में अगर आप दाल बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, तो हर दिन थोड़ा थोड़ा दाल चावल एल्यूमिनियम के प्रभाव में आ रहा है, माने हर दिन थोड़ा थोड़ा एल्यूमिनियम आपके शरीर में जा रहा है। अब हमारे शरीर की जो सिस्टम है वो ये है कि ये शरीर में अंदर से जहर को निकालने के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था बना रखी है भगवान ने, ईश्वर ने। लेकिन कौन सा जहर? एक ऐसा जहर जो लाइट मेटल्स के रूप में जाना जाता है, एक हैवी मेटल्स होते हैं भारी तत्व और एक हल्के तत्व, एल्यूमिनियम भारी तत्वों में आता है और ये हैवी मेटल्स वाला मामला है, ये जल्दी से बाहर नहीं निकल सकता, ये फ्लश आउट नहीं होता, एल्यूमिनियम जमा होता रहता है शरीर, शरीर का जितना भी बाहर निकालने वाला सिस्टम है जिसको एक्सक्रीटरी सिस्टम हम कहते हैं, उससे एल्यूमिनियम बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही एक केमिकल होता है आर्सेनिक, ऐसे ही एक केमिकल होता है लेड, पारा जिसको आप कहते हैं, ऐसे ही कुछ हैवी मेटल्स हैं, हैवी केमिकल्स हैं जो बाहर नहीं निकल पाते, इकट्ठे ही होते रहते हैं, एल्यूमिनियम उनमें से एक है। इसलिए इस एल्यूमिनियम को हमारे शरीर में हम इकट्ठा करते जाएं, प्रेशर कुकर में बनी हुई दाल और चावल खा खा के, तो हम तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। और एक जानकारी दूं आपको, हमारी दुनिया में ये प्रेशर कुकर लाया कौन? तो प्रेशर कुकर लाया यूरोप के कुछ वैज्ञानिकों ने, इसका इजाद किया उन्होंने, इन्वेंशन किया। अब यूरोप के वैज्ञानिकों ने इसका इन्वेंशन क्यों किया? आपने एक बार 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 सुनी है कि हर आविष्कार के पीछे कोई आवश्यकता होती है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो यूरोप आवश्यकता क्यों पड़ गई प्रेशर कुकर की? क्यों उन्होंने इसका इन्वेंशन किया और हम हिंदुस्तानियों ने क्यों नहीं किया? एल्यूमिनियम नाम का जो
पदार्थ है, मेटल है, केमिकल है, वो तो भारत में भी है। एल्यूमिनियम का जो मुख्य स्रोत है वो बॉक्साइट है। बॉक्साइट एक जमीन के अंदर से निकलने वाला पत्थर कहना चाहिए, उस पत्थर में से एल्यूमिनियम बनता है। भारत में प्रचंड मात्रा में बॉक्साइट है। भारत में ये जो कर्नाटक है, भारत का आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक आंध्र प्रदेश में प्रचंड मात्रा में बॉक्साइट है, बॉक्साइट की खदानें हैं। तो हमारे यहाँ बॉक्साइट है, लेकिन फिर भी हम भारतवासियों ने एल्यूमिनियम का प्रेशर कुकर नहीं बनाया। यूरोप के देशों में बॉक्साइट है नहीं, उन्होंने दूसरे देशों से बॉक्साइट खरीद के एल्यूमिनियम बनाया और उसका प्रेशर कुकर बनाया। तो उनका कारण क्या? जब बहुत दिन मैंने इस पे अध्ययन और अभ्यास किया तो पता ये चला कि यूरोप में ठंड बहुत पड़ती है, आप सभी जानते हैं। साल में 6 महीने इतनी ठंड होती है कि सूरज का दर्शन नहीं होता और तापमान उनका ऋणात्मक होता है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। साल में 6 महीने तो ऐसा होता है। और बर्फ इतनी पड़ती है कि घास का तिनका भी नहीं उग सकता। यूरोप के सभी देशों का ये हाल है, अमेरिका का भी यही हाल है, कनाडा का भी यही हाल है। अब जहां साल में 6 महीने बर्फ ही बर्फ पड़ती हो, वहां कोई भी चीज पकाना और बनाना बहुत ही मुश्किल है, आप जानते हैं। ज्यादा बर्फीला एरिया है और बर्फ ही बर्फ पड़ रही है तो आग जलना ही मुश्किल है, फिर तापमान बढ़ना मुश्किल है। इसलिए वहां का जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, ज्यादा ठंडा होने के कारण आसानी से वहां कोई चीज बन नहीं सकती, पक नहीं सकती। तो उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई या डिवाइस बनाई जो चीजों को जल्दी पका दे। प्रेशर कुकर इसी सिद्धांत पर काम करता है। आपकी दाल 25 मिनट में पकनी चाहिए या 40 मिनट में पकनी चाहिए, प्रेशर कुकर का काम है कि वो 40 मिनट में पकने वाली दाल को 10 मिनट में पका दे। इसके लिए उसमें क्या डिवाइस है कि दाल आप डालते हैं, पानी डाल देते हैं, फिर उसको चारों तरफ से एयर टाइट करके बंद कर देते हैं तो पानी उबलता है, प्रेशर बनता है। वो पानी अगर उबलता हुआ वाष्प के रूप में बाहर निकल जाए तो कोई दबाव नहीं डालेगा, लेकिन वही पानी अगर दबाव डालना शुरू करे तो दाल के जो टुकड़े हैं उनको तोड़ देगा और टूटे हुए दाल के टुकड़े उबले हुए पानी में आपको नरम आसानी से हो जाएंगे। तो आप ऐसा सोचेंगे कि हम पकी हुई दाल खा रहे हैं, वो पकी हुई दाल नहीं। दाल को प्रेशर डाल के, दबाव डाल के उसके टुकड़े तोड़े गए हैं, टूटे हुए टुकड़े पानी में उबल गए हैं। आप उसको खा रहे हैं ये सोचकर कि हम पकी हुई दाल खा रहे हैं। माफ कीजिए, हम पकी हुई दाल नहीं खा रहे हैं, आप उबली हुई दाल खा रहे हैं। उबलने में और पकने में बहुत अंतर है। आप बोलेंगे जी क्या अंतर है? अंतर है गुणवत्ता का। कोई चीज उबल रही है और कोई चीज पक रही है, दोनों की गुणवत्ता में जमीन आसमान का अंतर है। पकने का मतलब है कि उसके अंदर का जो प्रोटीन कंटेंट है, दाल आप जानते हैं सबसे ज्यादा प्रोटीन का स्रोत है, तो उसका जो प्रोटीन कंटेंट है दाल का, प्रोटीन का जो उसमें हिस्सा है, वो आपके शरीर के उपयोग में आए तब हम मानेंगे दाल पक गई। अगर जो प्रोटीन ही उपयोग में ना आए आपके शरीर के तो दाल खाने का मतलब क्या? दाल तो खाई जाती है शरीर के प्रोटीन की जरूरत पूरी करने के लिए, और हम शाकाहारी लोगों को प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है वो दाल ही है। दाल के बाद दूसरा बड़ा स्रोत है वो दूध है, दही है, मट्ठा वगैरह, लेकिन सबसे बड़ा स्रोत दाल है शाकाहारी लोगों के लिए। तो शाकाहारी लोगों के लिए दाल सबसे बड़ा स्रोत है प्रोटीन का, और वही प्रोटीन आपको नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो दाल प्रेशर कुकर में बन रही है, तो आप तो प्रोटीन की कमी में फंसे हैं। अब उस कमी को पूरा करने के लिए सरकार आपको बता रही है कि इधर दाल तो प्रेशर कुकर में खाओ, प्रोटीन अगर कम है तो अंडा खाते जाओ, यही बताते हैं ना। स्कूलों में बच्चों को खिलाते भी हैं। एक मध्यान्ह भोजन योजना चल पड़ी है इस देश में स्कूल के बच्चों को भोजन कराने के लिए, तो वहां राज्य सरकारों में इस बात की मारामारी लगी रहती है कि कौन कितने अंडे खिलाता है। मैं बहुत बार स्कूलों में व्याख्यान करने जाता हूँ तो प्रिंसिपल को कहता हूँ भाई ये अंडा क्यों दे रहे हो, तो कहते जी प्रोटीन की कमी है बच्चों को, सरकार कहती है, डॉक्टर कहते हैं कि प्रोटीन की जरूरत पूरी करने के लिए अंडा तो चाहिए। तो मैंने कहा अंडा क्यों दे रहे हो, अपने पास तो और भी बहुत कुछ है। कहते क्या है? मूंग की दाल है।
सबसे ज्यादा प्रोटीन है। मूंग की दाल के बाद मसूर की दाल है, उसमें बहुत प्रोटीन है। चने की दाल में बहुत प्रोटीन है, और चना तो आप जानते हैं घोड़ा खाता है, और घोड़े की ताकत दुनिया में सबसे ज्यादा है। आपको ये भी मालूम है कि घोड़े की ताकत से ही सारे मशीनों की ताकत नापी जाती है। किसी भी मशीन के बारे में आप बात करते हैं ना, कितने एचपी की है, हॉर्स पावर, माने घोड़े की ताकत से मशीन की ताकत नापी जा रही है। इसका माने घोड़ा मशीन से ऊंचा है, और वो घोड़ा खा रहा है चना, और चने में सबसे ज्यादा है प्रोटीन। तो मैं कहता हूं आप चना क्यों नहीं खिलाते इन बच्चों को? तो फिर प्रिंसिपल कहता सोचा क्यों नहीं, दिमाग काम नहीं करता। दिमाग काम क्यों नहीं करता? प्रेशर कुकर की दाल खा रहा 20 साल से, उसको खुद प्रोटीन की कमी है शरीर में, तो उसका दिमाग कैसे काम करेगा? ये है समस्या। और वो प्रिंसिपल अकेला नहीं खा रहा, उसके साथ टीचर भी खा रहा है। प्रेशर कुकर की दाल खा खा के शरीर में प्रोटीन की इतनी कमी आई है कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैं आपको विनम्रतापूर्वक एक बात कहना चाहता हूँ, आपका दिमाग जीवन भर अच्छा रहे, आपके बच्चों का दिमाग जिंदगी भर अच्छा रहे, इसके लिए एक ही बात ध्यान रखना कि उनके शरीर में कभी भी प्रोटीन की कमी ना होने पाए, जिंदगी भर दिमाग अच्छा काम करे। दिमाग चलाने के लिए, शरीर भी चलाने के लिए प्रोटीन लगता है, लेकिन दिमाग चलाने के लिए तो सबसे ज्यादा प्रोटीन लगता है। तो मेरा तो एक ही कहना है कि भगवान का दिया हुआ सबसे ज्यादा प्रोटीन दाल में है। ये दाल के प्रोटीन का एक एक अंश आपके शरीर में काम आए, इसके लिए मैं आपको हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि आप दाल प्रेशर कुकर में बनाना बंद कर दो। माताएं बहनें मुझे जरूर इस बात के लिए कोसेंगी, गालियां देंगी कि ये तो हमारी समस्या बढ़ाने आ रहा है। मेरी आपको विनम्रतापूर्वक प्रार्थना है, इससे समस्या बढ़ेगी नहीं, समस्या सुलझेगी। आपको एक झूठा भ्रम हो गया है कि खुले बर्तन में दाल बनाने में समय ज्यादा जाएगा और कुकर में जल्दी बन जाएगी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप भगोने में दाल पकने के लिए रख दो, 20-25 मिनट में धीमी आंच पर पकती रहेगी, उतने समय में दूसरे काम निपटा लो आप अपने, दूसरे काम निपटा लो। फिर प्रश्न आता है जी गैस ज्यादा जलेगी? बिल्कुल नहीं जलेगी। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ गैस का इस्तेमाल करने का। वो तरीका ये है कि हमेशा दाल जब पकने के लिए आप रखो तो धीमी आंच रखो, स्लो, जितना स्लो होगा, आंच जितनी धीमी होगी दाल उतनी अच्छी पकेगी। दाल के पकने का एक सरल सिद्धांत है, वो प्रकृति का है, सभी शास्त्रों ने उसको माना है। सिद्धांत ये है कि जो वस्तु खेत में जितनी देर में तैयार होती है, पकती है खेत में, वो घर में भी उतनी ही देर में पकनी चाहिए। ये है नहीं, आपको मालूम है दाल खेत में सबसे देर में पकती है, गेहूं तो सबसे जल्दी पकता है खेत में, 3 महीने में गेहूं तैयार हो जाता है। आज आप गेहूं का दाना डालो, 3 महीने में आप फसल काट सकते हो। दाल के बारे में ऐसा नहीं है, आज आप तुअर की दाल का दाना डालो, इसको 6-7 महीने लगेंगे। तो ज्यादा समय लग रहा है खेत में, तो घर में भी दाल पकने में थोड़ा समय ज्यादा लगना चाहिए। तो वो तरीका एक ही है कि गैस को स्लो रखो, धीरे धीरे आंच पर उसको पकने दो, वो ज्यादा अच्छे से तैयार हो। हमारे पुराने दिनों का याद करिए, गांव के दिनों का याद करिए, वहां तो ऐसे ही होता था, चूल्हे में लकड़ी लगा दी और लकड़ी को ज्यादा तेज नहीं जलाना है, और हड्डियां रख दिया, अब दाल पक रही है धीरे धीरे। घर के बहुत सारे काम वो दाल के पकने के बीच में हो रहे हैं, झाड़ू लगाना है, सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं, वो सब दाल पकने में हो गए। दाल पक गई तो ऐसे ही चावल रख दिया, फिर उसके बाद रोटी बन गई। तो आप तो समय को एडजस्ट करो, वो ज्यादा समय नहीं जाएगा, वो समय का आप सदुपयोग कर लीजिए। मुझे तो इस बात की तकलीफ होती है कि प्रेशर कुकर में जल्दी दाल बना के जो 10-12 मिनट बच गया वो हमारा जाता है, सास भी कभी बहू थी उसको देखने।
या घर घर की कहानी, या तेरी मेरी कहानी, या उसकी कहानी या इसकी कहानी, और उसमें पता नहीं क्या आता है। मैंने तो एक दो बार देखा तो पता चला एक ही बात उसमें आती है, किसकी पत्नी किसके पति के साथ भागी, और किसका पति किसकी दूसरी पत्नी को लेके भागा। एक एक पुरुष है वो 10-10 महिलाओं को फंसाए हुए हैं, और एक एक महिला 10-10 पतियों को पुरुषों को फंसाए हुए। ये क्या देख रहे हैं, ये कुछ देखने लायक है। इसकी पत्नी उसके साथ, उसका पति उसके साथ, इसको तो हमारे यहां व्यभिचार कहते हैं। और व्यभिचार को देखने के लिए दाल जल्दी पकनी चाहिए, समय वहां बचना चाहिए, ये तो मूर्खता है। इसलिए मेरा तो सबसे निवेदन है कि टीवी के सीरियल देखने के लिए हमारा खाना जल्दी बन जाए, ये तो दिमाग से आप निकालो। टीवी तो बंद ही करो तो अच्छा ही है, तो मेरे दिमाग में फालतू विचार भी नहीं आएंगे। खाना बनाना, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक कह रहा हूं, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा काम है, क्योंकि जीवन तो उसी से चलता है। हमको शरीर से काम करने की सारी ऊर्जा पके हुए भोजन से ही मिलती है, इसलिए दुनिया का तो ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। जैसे हम मानते हैं ना, हमारी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण काम है भगवान का दर्शन करना, हमारी दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण काम है देव दर्शन करना, साधु भगवान के दर्शन करना, साधु जी के दर्शन करना, ये सब हम मानते हैं ना महत्वपूर्ण काम है। मैंने कई जैन संतों के मुंह से ये सुना है, 1000 काम छोड़कर देव दर्शन करो, ऐसा कुछ है ना, 1000 काम छोड़कर देव दर्शन करो, या 10,000 काम छोड़कर ये भगवान की पूजा भक्ति आराधना वगैरह वगैरह, मानी ये महत्व के काम है। ऐसे ही महत्व का काम है भोजन का बनाना, ये कोई साधारण काम नहीं है, बहुत महत्व का काम। और सबसे महत्व के काम को सबसे आराम से और तसल्ली से होना चाहिए, समय उसमें लगता है तो लगना ही चाहिए। तब प्रश्न आता है कि कोई बहन या कोई माँ या कोई स्त्री नौकरी पे जाती है तो, काम पे जाती है तो कोई ऐसी व्यवस्था करिए, पर्यायी व्यवस्था, कि भोजन तो आराम से ही पके, आपका स्लो धीमी आंच पे ही पके, खुले हुए बर्तन में पके, प्रेशर कुकर का चक्कर तो छोड़ ही दो, कुछ व्यवस्था करो उसकी। आप काम पे जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं, महिलाओं को भी आजकल काम करना पड़ता है क्योंकि घर खर्च नहीं चलता, महंगाई बहुत हो गई है। हम कहते हैं विकास हो गया है, मुझे नहीं मालूम कि विकास इसी को कहेंगे कि पहले हम 1 रुपए सेर का घी खा लेते थे, अब वो घी लाने के लिए 650 रुपए खर्च हो गया, 1 रुपए में आता था एक सेर, एक सेर 1 किलो से थोड़ा ही कम होता है, ज्यादा कम नहीं होता, तो रुपए सेर का घी खा लेते थे, 20-25 पैसे लीटर का दूध पी लेते थे, 1 रुपए में 20-25 किलो तक गेहूं मिल जाए, 10-12 किलो तक गेहूं मिल जाए, ऐसी व्यवस्था हुआ करती थी। अब वही सब करने के लिए हमको सैकड़ों रुपए लगते हैं, तो ये विकास हुआ है क्या? पहले जिस वस्तु को हम खरीदने में 2-5 रुपए खर्च करते थे, अब उसी वस्तु को खरीदने में 5,000 लगता है, तो ये विकास हुआ है क्या? हाँ विकास हुआ है जरूर, नोटों का। पहले 1 या 2 नोट में उतनी चीज आती थी, अब उसके लिए 1,000 नोट लगते हैं। आपका क्या विकास हुआ है? नोट का हुआ है। अर्थव्यवस्था में कहते हैं ना इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब नोटों का चलन बढ़ा है। अब नोटों का चलन जितना बढ़ाते जाएंगे वस्तु की कीमत उतनी कम होती जाएगी, वैल्यू गिरती जाएगी, प्रतिष्ठा कम होती जाएगी, तो वो हुआ है। विकास हुआ है कि नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, ये जरूर हुआ है। तो आप अपने रसोई घर को कम से कम इससे सुरक्षित रखो, क्योंकि मेरा मानना है कि अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र मंदिर है, देव दर्शन है, तो रसोई भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रसोई में महत्व इस बात का है कि ठीक से भोजन पके, ताकि उसकी पूरी ऊर्जा आपके शरीर को मिले, ताकि आप बीमारियों से बचें और शरीर स्वस्थ रहे, तो आराधना भी कर सकें, उपासना भी कर सकें, पूजा भी कर सकें, व्यापार भी कर सकें, उद्योग भी चला सकें। इसलिए भोजन का महत्व तो बहुत है। तो माताओं बहनों को मेरी विनती है
कि आज से अपने घर का प्रेशर कुकर निकाल दे, कबाड़ी को बेचना है तो बेच दे, कबाड़ी आते हैं ना बहुत सारी पुरानी चीजें उठा के ले जाते हैं, बेच दीजिए उसको। आप कहेंगे जी 200-250 रुपए का नुकसान हो जाएगा, वो चलेगा, जिंदगी में आपका 25-50 हजार बच जाएगा। तो आप बोलेंगे फिर क्या लाए? भोजन पकाने के लिए आप ऐसे बर्तन इस्तेमाल करिए जो खुले, भगोना है, कढ़ाई है, इनका इस्तेमाल करिए। दाल भगोने में बनाइए, कढ़ाई में बनाइए। तो आप बोलेंगे दाल किस बर्तन में होनी चाहिए? शास्त्रों के हिसाब से, आयुर्वेद के अनुसार स्टीम या लोहा सबसे खराब बर्तन है, सबसे खराब। प्लास्टिक तो उससे भी ज्यादा खराब है, लेकिन स्टील और लोहा सबसे खराब है, लेकिन एल्यूमिनियम इस स्टील और लोहे से भी ज्यादा खराब। आपको शायद मालूम है या नहीं, हमारे देश की पूजा और उपासना की पद्धति में भगवान के लिए अगर कुछ बनाना हो तो लोहे के बर्तन में नहीं बनता, पीतल में बनेगा, कांसे में बनेगा, लोहे में नहीं बनता। भगवान को कुछ अर्पण करना है, प्रसाद ही अर्पण करना है। और ज्यादातर देश में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में भगवान के लिए कुछ बनता है तो मिट्टी के बर्तनों में सबसे अच्छा माना जाता है। मिट्टी के बर्तनों में बनाया हुआ भोजन भगवान को प्रसाद के रूप में अर्पण किया जाता है। इसका मतलब मिट्टी लोहे से तो अच्छी है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी मंदिर में जहां भगवान को प्रसाद अर्पण हो रहा है, आप देखेंगे या तो मिट्टी के बर्तनों में होगा या पीतल कांसे के बर्तनों में होगा। बहुत अच्छे मंदिरों में अगर आप जाएंगे तो चांदी के बर्तनों में मिलेगा, लोहा तो नहीं। और स्टील लोहे का ही अंश है, तो मेरी विनती है कि स्टील के बर्तन कुछ कम करिए। तो यहाँ कोई स्टील के व्यापारी लोग बैठेंगे वो तो मुझे मारेंगे कि हमारा तो धंधा बंद कराने आ गया, मार्केट ही स्टील का। मेरी तो आपसे विनती है कि अपने घरों के लिए बर्तन लाइए, तो सबसे ज्यादा चुनिए पीतल के बर्तन, कांसे के बर्तन, तांबे के बर्तन, ये सब घर में रहने चाहिए। तो आप बोलेंगे क्या पुराने जमाने में ले जाना चाहते हैं? मैं आपको पुराने जमाने में नहीं, नए जमाने में ले जाना चाहता हूं, 21वीं शताब्दी में ले जाना चाहता हूं, अच्छी चीजों के साथ। जो चीजें 18वीं-19वीं शताब्दी में अच्छी थी वो आज भी अच्छी हैं, उनको उपयोग करने में शर्म क्या भाई? पीतल और कांसा हमारे यहाँ हजारों साल से इस्तेमाल होता आया बर्तनों के लिए, तो आगे भी इस्तेमाल करने में बुराई क्या? अब उसमें तर्क और कुतर्क बहुत है, भारी बहुत होता है और जल्दी से साफ नहीं होता है, तो उनके लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी, साफ करने की भी व्यवस्था होगी। उसका भारीपन है तो उसमें आपको हल्का लाने के लिए, अब मुश्किल क्या हो गई है कि शरीर इतना कमजोर हो गया है पिछले 20-25 सालों में कि पीतल के बर्तन उठते नहीं है, कांसे के बर्तन हाथ में उठते नहीं है, सफाई कैसे हो, ये सब समस्याएं आई हैं। लेकिन इनका समाधान ढूंढना पड़ेगा। समाधान शायद ये होगा कि शरीर में ताकत बढ़े। बर्तन में गुस्सा क्यों निकाले कि ये भारी है, साफ नहीं होता? अपने शरीर की ताकत बढ़े ताकि हम उसे साफ भी कर सके और उठा के कहीं रखना है तो वो रख भी सके। आपको मालूम है शादियां होती हैं तो शादियों में पीतल और कांसे के ही बर्तन देने का रिवाज है, तांबे के बर्तन देने का रिवाज है। ये स्टील के बर्तन जो देता है वो तो बहुत, मुझे नहीं लगता मूर्ख और महामूर्ख क्या कहना चाहिए। हमारे यहाँ तो परंपरा होती है, परंपरा वहीं से बनती है जहां जरूरत के हिसाब से, मौसम पर्यावरण के हिसाब से चीजें व्यवस्थित होती है। कोशिश करिए कांसे के बर्तन लाइए ना घर में। तो आप बोलेंगे मिलते नहीं है, मैं आपको पते देता हूँ, हिंदुस्तान में 350 शहर हैं जहां अभी भी कांसे के बर्तन बनते हैं और मिलते हैं। हमारे यहाँ तो एक पूरा समाज है जिनको कसेरा कहा जाता है, कसेरा। मैंने हिंदुस्तान में 350 शहर अभी तक देखे हैं जहां कसेरे अभी भी जीवित हैं और ठोक पीट के बर्तन बना ही रहे हैं, लेकिन वो दुखी हैं, बिकते हैं।
मैं जब भी कहता हूँ भाई तुम्हारा माल मैं बिकवाऊंगा, तो उन्होंने कहा फिर तो आप भी हमारे भगवान, तो उनका माल मैं कैसे बिकवा सकता हूँ, आप खरीदेंगे तब ना। तो हमारे घरों में थोड़े कांसे के बर्तन लाना शुरू कर दीजिए, थोड़ा पैसा है अगर आपके पास तो चांदी के बर्तन, वो तो सबसे अच्छा है। चांदी की थाली रखिए, चांदी की कटोरी रखिए, चांदी का गिलास रखिए, उसमें पानी पीजिए, उसमें भोजन करिए, चांदी तो सबसे अच्छी है। कम पैसा है तो कांसा ले आइए, और भी कम है तो पीतल ले आइए, ये एल्यूमिनियम घर में से हटाइए, प्रेशर कुकर हटाइए। और मेरी माताओं बहनों से विशेष विनती है, जो एल्यूमिनियम की कढ़ाई आपके घर में है तो इसको भी विदा करिए, एल्यूमिनियम की कोई थाली वाली आपके घर में इसको विदा करिए, उसके स्थान पर पीतल की कढ़ाई ले आइए। और सबसे सस्ता और आसान है मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन आज भी बनते हैं इस देश में, चेन्नई में बनते हैं, मिलते हैं, अच्छी मिट्टी के बर्तन यहाँ बनते हैं और मिलते हैं। मिट्टी के बारे में एक जानकारी दे दूं, मेरे जीवन में पहली बार मुझे इस बात का एहसास कब हुआ था, एक बार मैं जगन्नाथपुरी गया था दर्शन करने, आज से कुछ 12-13 साल पहले की बात है। तो मैंने वहां देखा कि कृष्ण भगवान का मंदिर है और उनको प्रसाद चढ़ाते हैं वो मिट्टी के बर्तन में बनता है, मिट्टी में दाल बनती है, मिट्टी में चावल बनता है, खिचड़ी बनती है, वही भगवान को अर्पण किया जाता है और फिर वही खाया जाता है भोग के रूप में। तो मैंने पुजारी से पूछ लिया, पुरी के मंदिर के पुजारी से, मेरे मन में ऐसे ही सवाल आ गया कि आप लोग बहुत गरीब हैं क्या, मंदिर बहुत गरीब है क्या, इनके पास पैसे नहीं है क्या, मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं और भगवान को खिलाते हैं। तो पुजारी ने जो उत्तर दिया मैं हैरान हो गया, उसने कहा आप क्या बात करते हैं, मंदिर गरीब है, हम गरीब हैं, नहीं हम गरीब नहीं है, हमारे मंदिर के पास ये जो ट्रस्ट है और इस मंदिर की संपत्ति है इसमें कम से कम 250 मीट्रिक टन सोना है। तब मेरी आंखें खुल गई कि अगर मंदिर के पास और ट्रस्ट के पास इतना पैसा है तो इसका मतलब गरीब तो नहीं। तो फिर मैंने पूछा क्यों मनाते हैं मिट्टी के बर्तन, तब उसने कहा कि मिट्टी पवित्र होती है। तो बात बैठी दिमाग में कि मिट्टी पवित्र होती है, अब मिट्टी की पवित्रता क्या होती है, तो मैंने कुछ सॉयल साइंटिस्ट जो होते हैं मिट्टी के विज्ञान के जो विशेषज्ञ होते हैं जिनको सॉइल साइंटिस्ट कहते हैं उनसे बात करना शुरू किया। तो उन्होंने कहा मिट्टी की पवित्रता का मतलब है कि उसमें वो सब कुछ है जो हमारे शरीर को चाहिए। हमारे शरीर को क्या चाहिए, इस शरीर को बनाने में आप जानते हैं सबसे बड़ा भूमिका है कैल्शियम का, कैल्शियम एक नाम सुना होगा केमिकल, फिर दूसरी भूमिका है फॉस्फोरस की, फिर है आयरन की, ऐसे 18 तत्व हैं जो शरीर को बनाने के लिए लगते हैं, वो सबके सब मिट्टी में होते हैं एक साथ, इसलिए कहा जाता मिट्टी बहुत पवित्र है। तो भगवान को तो वही चीज अर्पण कर सकते हैं जो पवित्र है, इसलिए मिट्टी के बर्तनों में खाना बनता है। मैंने इसको स्वास्थ्य के हिसाब से जब समझा तो पता चला कि अगर मिट्टी में कैल्शियम है, मिट्टी में आयरन है, मिट्टी में बाकी सभी वो पोषक तत्व है, फॉस्फोरस है जो शरीर को चाहिए, तो उस मिट्टी में अगर हम खाना बनाएं या बर्तन में खाना बनाएं तो कैल्शियम भी मिलेगा, आयरन भी मिलेगा, फॉस्फोरस भी मिलेगा। और वो करके भी देखा मैंने, कई मरीजों को मैंने बताया पिछले कई वर्षों में कि आपको अगर डायबिटीज है, आपको अर्थराइटिस है, आपको ब्रोंकाइटिस है, आपको दमा है, अस्थमा, ऐसी बीसियों बीमारी में, मैंने उनसे कहा कि आप मिट्टी में हांडी में दाल बना के खाना शुरू कर दो, मिट्टी की हांडी में चावल बना के खाना शुरू कर दो। और जिस जिसने ये बात मानी वो सब मुझे कहते हैं हाँ बहुत फायदा, बिना दवा के फायदा। ये जो घुटनों के दर्द वाले लोग हैं ना, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, आप याद रखो किसी को भी बोलो जिसको घुटने का दर्द बहुत परेशान करता है उसको कहो हांडी में बनी हुई दाल खाए, मिट्टी की हांडी, क्योंकि घुटनों के दर्द वाले, कमर के दर्द वालों को सबको कैल्शियम की कमी है। जैसे ही मिट्टी की हांडी में बनी हुई दाल खाना शुरू करेंगे कैल्शियम की पूर्ति होगी, दर्द अपने आप टूटेगा, बिना दवा के टूटेगा। कोई व्यक्ति अगर आपको आते जाते समय ऐसा लगे कि वो झुक के चलता,
ये पीछे किसी का कूपड़ निकल आया, आपने अक्सर देखा ना कोई लोग एकदम से झुक के चलते हैं, समझ लो उसके शरीर में फॉस्फोरस की बहुत कमी है। फॉस्फोरस की जरूरत पूर्ति करने के लिए आप उसको बोलो भाई मिट्टी की हांडी में बनी हुई दाल और चावल खाना शुरू कर दो, क्योंकि मिट्टी में फॉस्फोरस भी बहुत है। कोई व्यक्ति आपको ऐसा लगता है वो शिकायत करे मेरे शरीर में खून की बहुत कमी है, शरीर एकदम पीला पीला दिखाई देता है, तो समझ लो उसको एनीमिया है, रक्त की अल्पता है, आयरन नहीं है, उसको बोलो मिट्टी में बने हुए बर्तनों में दाल चावल खाए, आयरन मिलेगा, शरीर ठीक होगा। दमा और अस्थमा है तो समझ लो सल्फर की कमी है बॉडी में, तो सल्फर चाहिए, सल्फर के लिए मिट्टी के बर्तन। मिट्टी में 18 तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व हैं और ये सारे सूक्ष्म पोषक तत्व का उपयोग आपके शरीर के लिए हो, इसलिए हमारे यहाँ एक जाति बनी है जिसको हम कुम्हार कहते हैं, वो मिट्टी के बर्तन बनाने का ही काम करते हैं, आज से नहीं हजारों साल से करते हैं, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए। लेकिन अंग्रेजों ने आकर हमारे यहाँ एक ऐसी व्यवस्था बना दी जिसको आज तक हम रो रहे हैं कि जो कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाकर पूरे समाज के स्वास्थ्य की रक्षा करने में लगे हुए उनको नीचा बना दिया, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास और पता नहीं क्या क्या उनको घोषित कर दिया, और वो नीचे हो गए तो उनके लिए दुत्कारना शुरू हो गया, समाज ने उनको अपने से बाहर करना शुरू कर दिया, उनके प्रति मन में विद्वेष, घृणा, ये सब पिछले 200-250 साल में हो गए। अभी हमें इसको ठीक करना है और ठीक करने का एक ही उपाय है कि इन कुम्हारों के बारे में हमें नजरिया बदलना है अपना देखने का, वो मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, इसका माने वो कोई छोटे लोग नहीं है, नीचे लोग नहीं है, बहुत ऊंचे लोग हैं। भाई आप डॉक्टर को क्या मानते हैं, ऊंचा मानते हैं कि नहीं, आपकी चिकित्सा कर रहा है और आपकी मदद कर रहा है, तो कुम्हार भी तो वही कर रहा है जो डॉक्टर कर रहा है, डॉक्टर तो आपको दवा देकर मदद दे रहा है कैल्शियम और फास्फोरस और आयरन की पूर्ति के लिए, वो बिना दवा दिए आपकी मदद कर रहा है कैल्शियम फास्फोरस और आयरन। मैं और एक दवा के बारे में बताता हूँ जो हमारे गुरु के गुरु थे उनका सेवा करने का मौका मिला, क्योंकि मेरी माताजी ने पैरालिसिस से मर गई, मुझे बहुत दुख हुआ, फिर उसके बाद तो मेरी माँ तो रिवर्स नहीं आएगी, अभी राजू भाई गए नहीं आए, लेकिन राजू भाई के जैसे बहुत सारे हम काम कर सकते, ऐसा कई माताएं हैं, कई पिताजी हैं, उनको सेवा करने के लिए मुझे मौका मिला, धर्मपाल जी को भी पक्षवात आया था यहाँ, उनको सेवा करने के लिए मुझे मौका मिला, और उसी दवा का नाम आपको बता रहा हूं, दवा का नाम है रस्टक्स 30। पक्षवात या पैरालिसिस, और पैरालिसिस में एक दवा का नाम है रस्टक्स और इसकी पोटेंशियल है 30। जिस दिन आता है उसी दिन उनको भी 15-15 मिनट पर 3 बार 2-2 बूंद जी पर दे, और इसी रस्टक्स को कंटिन्यूशन करते हुए डेली सुबह दोपहर शाम ऐसा कम से कम, अगर आपने आज पैरालिसिस आया आज से दवा शुरू किया तो आपको महीने भर में ये ठीक हो जाएगा, किसी किसी को 15-20 दिन में ठीक हो जाएगा, 100% रिलीज और ठीक हो जाएगा, और जैसे का वैसा चलेगा। और इसमें और एक दवा है क्वास्टिकम वनम, क्वास्टिकम जिस दिन हमने रस्टक्स दिया दूसरे दिन जो वनम है उसको भी 2-2 बूंद 3 बार दे, और उसी दिन रस्टक्स भी आएगा, क्योंकि डेली मेडिसिन है रस्टक्स 30 वाला, उसको भी 2-2 बूंद जो क्वास्टिकम देते हैं उसके आधे घंटे पौन घंटे के डिफरेंस पर रस्टक्स भी देनी चाहिए। ये रस्टक्स डेली 2-2 बूंद 3 बार और क्वास्टिकम हफ्ते में एक दिन, वीकली एक दिन 2-2 बूंद 3 बार देनी चाहिए। ऐसा अगर किसी को 1 महीने में ठीक हो जाएगा, किसी को 15 दिन में ठीक हो जाएगा, किसी को 1.5 महीना लगेगा, लास्ट आखिरी 2 महीने से ज्यादा नहीं होगा। अगर किसी को 15 दिन हो गया पैरालिसिस आके तो उसको 3 महीने भी लग सकते, किसी को महीने भर हो गया उसको भी 3 महीने लग सकते, 3 महीने से ज्यादा समय नहीं लगती है। और इनको भी खान पीन के बारे में चाय कॉफी डिकॉशन जो भी है गलत आदत है सब बंद कर दे, ना वेजिटेरियन माने शाकाहारी भोजन दे, तो ये भी पैरालिसिस वालों को भी
बहुत अच्छा, मैंने हजारों लोगों को इलाज किया, ये भी सब घर में बैठकर होम्योपैथी में जाए 10-20 रुपए में दवा मिल जाएगी और हो जाएगी। मैंने जो सांप वाला बताया वो भी 10-20 रुपए में आपको मिल जाएगी, ये भी 10-20 रुपए में मिल जाएगी। महा से महा ज्यादा से ज्यादा खर्चा 50 रुपए से ज्यादा नहीं आएगी। इस देश में सभी लोगों को ये इसका इलाज और ये दवा का अनुभव मिलना चाहिए, ये मेरा आशा है, इसलिए मैंने ये सब आप लोगों को बताया। हाँ, इसका प्रयोग हमने शुरुआत में किस पर किया, एक हिस्टोरियन है पूरे वर्ल्ड के बहुत बड़े नाम वाले हैं, उनका नाम है धर्मपाल जी, वो हमारे गुरु है, गुरु के गुरु है, तो उनको जिस दिन आया तो पहली बार उन पर प्रयोग हुआ ये, तो अच्छे से अच्छे सक्सेस हो गया धर्मपाल जी को। और सेवाग्राम महात्मा गांधी के आश्रम में शुरुआत में किए हम लोग, तो अच्छा रिजल्ट आया, उसी के आधार पर अभी मुझे फोन करना। मेरा नाम है सन्मुख माधव राव। हाँ ना, और नंबर लिख लो 9866548278, 0 लिखना 9866528, हाँ क्षमा करिए 48278। शताब्दी का सबसे बड़ा दोहरा एक्स लेखक कमलेश है। हाँ, पिछले प्रवास पर हमने आपको एक पुस्तक दी। हाँ, मैंने पढ़ी है। क्या इस संबंध में जानना चाहिए? मैंने पढ़ी है और बहुत अच्छी किताब है, आपको मिले तो आप भी पढ़िए, क्योंकि उसमें उन्होंने इतनी लॉजिकल बातें कही हैं जिनको पढ़कर ऐसा समझ में आता है कि एड्स कोई बीमारी नहीं, वो खाम खाम का एक हवा खड़ा किया गया है कंडोम्स बेच चुके। और ये पुस्तक पढ़ने के बाद मैं 3 प्रोफेसर से मिल चुका हूं जो मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं, एक तो प्रिंसिपल है भोपाल मेडिकल कॉलेज के वो बोलते हैं, और एक नागपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, दोनों बोलते हैं कि ये सच में एक धोखा है, ये वास्तव में कोई बीमारी नहीं है। बीते वर्षों कभी भी किसी को मजाक नहीं करना, जैसे आप किसी को व्यसन मुक्त बनाना चाहते हैं, वो व्यक्ति बहुत दारू पीता है, ठीक है पीता है, अभी उसका कोई कमजोरी है जिसके कारण वो पीता है, तो उसको दारू से बाहर निकालना ये हमारा कर्तव्य है, लेकिन कभी उसके लिए टीका नहीं करना, टिंगल नहीं करना, उसका मजाक नहीं करना, क्योंकि जैसे ही आपने टीका किया टिंगल किया तो आपका सारा काम व्यर्थ है। उसको ये मान के कोशिश करना कि इसको कोई बहुत बड़ी कमजोरी है शरीर में। देखिए व्यसन जब आता है ना शरीर में तो शरीर की कमजोरी से आता है, दुर्गुण वो नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि ये व्यसन करता है इसलिए इसमें गुण कम है, गुण की कमी नहीं होती है, वो व्यक्ति को शरीर में कुछ कमजोरी आती है। कमजोरी क्या आती है? सभी व्यक्ति के शरीर में कुछ रसायन होते हैं, कुछ धातुएं होती हैं, उनमें से कोई एक दो रसायन कम हो गए, कोई एक दो धातुएं कम हो गई, तो व्यक्ति दारू पीना शुरू कर देगा, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, मावा खाना शुरू कर देगा। वो सामान्य रूप से मैंने जो शोध किया है वो ये कि सभी दारू पीने वाले लोगों के शरीर में एक केमिकल, एक रसायन की बहुत कमी आ जाती है, वो रसायन का नाम है सल्फर। हिंदी और मराठी में कहते हैं गंधक, अंग्रेजी में कहते हैं सल्फर। हमारे शरीर में 16 तरह की धातुएं और रसायन हैं, कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, सल्फर है, आयरन है, सिलिकॉन है, कोबाल्ट है, ऐसी 16 धातुएं और रसायन होते हैं। इनमें से कोई एक धातु या एक रसायन कम हुआ और दूसरा जास्ती हुआ तो व्यसन की स्थिति बनती है। लोग जब व्यसन शुरू करते हैं ना तो हर बार ऐसा नहीं होता कि मजे में करते हैं, मौज में करते हैं, ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर 19 वर्ष की उम्र के पहले कोई व्यक्ति व्यसन शुरू करता है तो मान सकते हैं कि वो मजे के लिए कर रहा है, उसके बाद की उम्र का कोई व्यक्ति अगर व्यसन शुरू करता है तो जानने की कोशिश करो कोई एक रसायन शरीर में बहुत कम होगा, और जब तक उस रसायन की पूर्ति नहीं होगी तब तक वो व्यसन मुक्त भी नहीं हो। उसमें होगा क्या, शुरू में आपने उसको समझाया, एक दो दिवस समझ गया, फिर कुछ दिन चुपके से जाके पी के आएगा, आपको बताएगा भी नहीं, और फिर आपको पता चला, आप बोलोगे यार तुमने फिर पी लिया, तो उसने कहा क्या करूं, मन नहीं मानता, शरीर नहीं मानता। वो मन मानता इसलिए नहीं है कि वो दारू के मदद से उसको वो रसायन की तात्कालिक पूर्ति होती है, शरीर उसकी मांग करता है, शरीर कहता है इसको पियो, इससे तुम्हारी ये कमी पूरी होती, लेकिन वो होती तात्कालिक है, परमानेंट नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को कोई औषध अगर दे दी जाए जो उसके रसायन की पूर्ति कर दे तो जीवन पर्यंत वो व्यसन मुक्त हो सकता है। अब वो क्या रसायन है वो जानना थोड़ा चिकित्सा विज्ञान का काम है,
मैं इस पर थोड़ा शोध करता हूँ। चाय कॉफी जो लोग पीते हैं उनके शरीर में आर्सेनिक नाम के रसायन की बहुत कमी आती है, इसलिए वो बार बार चाय कॉफी। शराब पीने वालों को सल्फर गंधक की बहुत कमी आती है शरीर में, इसलिए बार बार शराब पीते हैं। बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले और हुक्का पीने वाले, इनको शरीर में फॉस्फोरस की बहुत कमी आती है, इसलिए वो बहुत बार उसको पीते हैं। ऐसे 16 रसायन हैं, जिसकी भी कमी आएगी उसकी पूर्ति करने के लिए शरीर उसको प्रेरित करेगा, फिर जाकर वो पिएगा। तो ऐसी परिस्थिति है। तो आप अगर इसको समझ सकते हैं तो ये ध्यान रखिए कि कोई व्यक्ति अगर व्यसन कर रहा है तो उसके शरीर की कोई बड़ी भारी कमजोरी है या उसके शरीर में कोई बहुत बड़ी कमी है जिसके चलते वो ऐसा कर रहा है। कमी दूर हो जाए तो वो नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि कभी भी आप किसी भी व्यक्ति की जो इस तरह के व्यसन में फंसा हुआ है, टीका नहीं करना, मजाक नहीं करना, हंसी खिल्ली नहीं करना उसकी, क्योंकि वो उसकी कोई बड़ी कमजोरी है। वो जानबूझ के कई बार ऐसा नहीं करता है, कोई बड़ी कमजोरी के तहत करता है। तो भारत में 23 लाख संत हैं, 23 लाख इस देश में संत हैं, 23 लाख से भी जास्ती हैं, 23,80,000 और कुछ सौ में भी होंगे, ये सरकार के आंकड़े हैं। इतने साधु संत हैं, महात्मा हैं, और 107 कोटि का भारत है। अगर ये कर लेते तो भारत में इतना भ्रष्टाचार, इतना अनाचार, इतनी व्यसन क्यों होती? तो साधु संत दूसरे को नहीं सुधारते, वो अपनी सेवा कराते। उनको अहंकार इस बात का है कि वो समाज को सुधारना कर रहे हैं, वो कोई समाज को सुधारना नहीं करते। ये बात मैंने बहुत बड़े बड़े संतों को कही है उनके मुंह पर कि आप तो अपनी सेवा करा रहे हैं, आपको अहंकार है कि आप समाज के लिए कर रहे हैं, समाज आपके लिए कर रहा है, आप समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो आप में से किसी को साधु होने का नहीं है, ध्यान रखना इस, संत भी होने का नहीं है, संत और साधु कहलाने की भी जरूरत नहीं है। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमारा स्थान बहुत ऊंचा है, क्योंकि हम समाज में रहते हुए कोशिश कर रहे हैं समाज को मदद करने की, अपना भी कल्याण कर रहे हैं दूसरे का। और ये जो साधु संत होते हैं वो हिमालय में चले जाते हैं, वो अपनी तपस्या करके अपना कल्याण करते हैं, देश का नहीं। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर आपने घर बनाया है, परिवार बनाया है, पत्नी है, बच्चे हैं, तो कभी भी ध्यान में ये नहीं लाना कि छोड़ के जाने का, कोई कुछ नहीं कर पाता। मैंने बड़े बड़े संतों को देखा है जिन्होंने घर छोड़ दिया वो और परेशान है। हाँ, तो मैं कहता हूँ नहीं छोड़ते तो अच्छा था, क्योंकि इधर से भी गए, उधर से भी गए, दोनों तरफ से गए। तो इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि आपने घर बसाया, परिवार बसाया, घर संसार चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, सर्विस करते हैं, खेती करते हैं, जो करते हैं वो ईमानदारी से करते करते ये करने का है। उसको छोड़ छाड़ कर कुछ जास्ती करेंगे ये कभी नहीं करेंगे। ये आपका जो अध्यक्ष है ना, ये बहुत बार मुझे कहते हैं राजीव भाई नौकरी छोड़ने का है। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं छोड़ने का। पूछो इनको कितनी बार बोला है कि मैं नौकरी छोड़ता हूँ, अभी अगले साल संपूर्ण काम करता हूँ। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि नहीं छोड़ने का, क्योंकि मैं जानता हूँ जिन्होंने सब छोड़कर काम किया बहुत परेशान हो। इसलिए समाज के बीच में रह के हमें करना है, परिवार के बीच रह के करना है। और अगर आप परिवार समाज में रह के करते हैं तो बहुत तारीफ की बात है। सब छोड़ के तो आपके पास कुछ है ही नहीं करने।